इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बार फिर ब्रिंटन कैरी हॉस्टल के बच्चों के साथ। जब मैं यहाँ किसी काम से आई तो ये बच्चे यहाँ मुझे बाहर नज़र आए, तो मेरे लिए हैरत की बात थी कि बच्चों का बाहर फिरना, क्योंकि ये तो दे आर सपोज टू बी इनसाइड द हॉस्टल। तो मैंने इनसे पूछा तो पता चला कि अब इनका जो है सुई गैस भी कट गई है और बिजली भी कट गई है, क्योंकि बिशप साहब जो कि मुख्तलिफ फोरम्स पर बैठकर ह्यूमन राइट्स के बिशप फ्रेडरिक जॉन, जिनको दो तोहीन अदालत का नोटिस भी जारी है कि वो बिशप नहीं है, लेकिन वो मुख्तलिफ फोरम्स पर बैठकर अपने आप के बिशप होने का दावा करते हैं, उन्होंने उल्टा बिजली का बिल भी वापस किया कि अब ये ख़ुद पे करेंगे, क्योंकि इन्होंने क्यों गजाला को यहाँ पर वीडियो बनाने दी, गजाला से बात क्यों की और बिजली का बिल भी नहीं पे किया, और अब ये बच्चे बिजली के बग़ैर हैं। मैं ज़रा इन बच्चों का हाल दिखाती हूँ, और सबसे पहले मैं मॉडरेटर बिशप आज़ाद मार्शल साहब से दरख्वास्त करूँगी कि ये कौम की बेटियाँ हैं, ये अंधेरे में रह रही हैं, बिजली ना गैस है ना बिजली है, और 6.5 लाख बिजली का गैस का बिल है और 80,000 बिजली का बिल है। तो मेरी मैडम सीमा कामल साहिबा से भी दरख्वास्त है, और जो चर्च ट्रिनिटी चर्च के बड़े सरकर्दा हमारे ईमानदार और ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले साथी हैं, कि इन बच्चियों की बेबसी को देखें, बेकसी को देखें, और पादरी फ्रेडरिक जॉन की जो मामलात को तय करने का तरीका है कि अब उन्हें जफर जो सेक्रेटरी हैं डायसिस के, उनके साथ जिद्दबाजी है, तो बिल उन्हें भिजवा रहे हैं कि तुम पे करो, जफर इसका इंचार्ज नहीं है, ये अदारा है डायसिस का, जफर का अदारा नहीं है, ये डायसिस का अदारा है, और चर्च की जिम्मेदारी इन बच्चों की लुक आफ्टर करना। मैं तमाम ईमानदारों से दरख्वास्त करूंगी 80,000, अब इनका बिजली भी कट गई, 80,000 बिजली का बिल और 6.5 लाख गैस का बिल,